आइडिया यूट्यूब चैनल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आज आपके लिए ऑप्शनल क्वेश्चन फिर से लेकर आई हूं, जो कि आपके CITS एंट्रेंस की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है, जो कि CITS एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए हैं, ठीक है, जो कि स्विंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग एंड फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी तीनों ही ट्रेडों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है और बेहतर तरीके से करनी है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रही हूँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 90 57 28 42, ठीक है। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं और CITS इंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन लेके आए हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या तो फिर किसी टॉपिक पे कोई डाउट है तो आप वो टॉपिक हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि अगला वीडियो हम आपको उसी टॉपिक पर क्लियर करें, ताकि आपका वो डाउट क्लियर हो जाए। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, सक्रिय जगहों को प्रेस करने के लिए किस चीज़ की का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन दिया हुआ है पिनकुशन, ऑप्शन नंबर बी मीटर स्केल, ऑप्शन नंबर सी बॉटकिन और ऑप्शन नंबर डी सीम रोल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ये जो सीम रोल होता है वो क्या होता है, सक्रिय जगहों पे प्रेस करने के लिए होता है, काफ़ी पतला होता है, उसको क्या करते हैं, जहाँ पर हमारा प्रेस नहीं पहुँच सकता तो उसको क्या करते हैं, उसको रख के तब प्रेस करते हैं, ताकि हमारा प्रेस काफ़ी अच्छे से उसको प्रेस कर दे, ठीक है, तो सीम रोल का प्रयोग करते हैं। फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, एक इंची टेप में एक इंच में कितने सूत होते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारा इंची टेप होता है, मेजरिंग टेप होता है, इसमें जो हमारा सूत होता है वो कितना होता है, सूत मतलब कि जो हमारे एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच का डिस्टेंस होता है, उसके बीच में कितनी लाइनों की दूरी होती है, वो चीज़ पूछी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर टू का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एट होगा, ठीक है, आठ सूट की दूरी होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर थ्री है, ठीक है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सभी को क्लियर शो कर रहा होगा स्क्रीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा कि ड्राफ्टिंग करते समय हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो जो हम ड्राफ्टिंग करते हैं, मतलब पेपर पैटर्न ये सब बनाते हैं, जो ड्राफ्टिंग करते हैं, सब क्या होता है, इस पर किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, करते समय हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, चॉक, ऑप्शन नंबर बी पेंसिल, ऑप्शन नंबर सी वैक्स चॉक और ऑप्शन नंबर डी मार्किंग चॉक। तो क्या करते हैं हम ड्राफ्टिंग करते समय, किसका प्रयोग करते हैं, पेंसिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पेपर पे हम ऑब्वियसली पेंसिल का यूज़ करेंगे, ताकि हमें वो चीज़ क्लियर दिखे और हम उसमें अपने पॉइंट्स और डिस्टेंस, जितनी भी मेजरिंग है, जितना भी हमारे इंचेस में है, जितना भी हमने नाप लिया हुआ है, वो सब हम उसमें प्रॉपर साइड में लिख सकें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पेंसिल का यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, कौन सी कैंची की लंबाई 8 से 10 या 14 इंच तक होती है। क्वेश्चन नंबर फोर है, कौन सी कैंची की लंबाई 8 से 10 या 14 इंच की होती है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, बड़ी कैंची, ऑप्शन नंबर बी छोटी कैंची, ऑप्शन नंबर बी कैंची, ऑप्शन नंबर सी छोटी कैंची, ऑप्शन नंबर डी कटावदार कैंची। कटावदार कैंची का मीन्स यहाँ पे ये है कि कटावदार कैंची को हम पिंकिंग सीजर बोलते हैं, या तो फिर जिगजैग सीजर भी बोलते हैं, जिन्होंने ITI किया उनको पता होगा, या तो फिर ITI का डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है सभी को पता होगा पिंकिंग सीजर क्या होती है, कपड़ों की किनारियों को सुंदर बनाने के लिए, या फिर तुरपाई से बचने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर क्या होगा, हमारा बड़ी कैंची होगा, जो कि 8 से 14 या 10 इंच तक की होती है। याद रखिएगा ये सब कि बड़ी कैंची कौन सी होती है, छोटी कैंची कौन होती है, ठीक है, बड़ी कैंची को क्या कहते हैं, छोटी कैंची को क्या कहते हैं। जैसा कि अभी हमारे आगे ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे तो आपके और भी डाउट क्लियर होते जाएंगे कि कौन सी कैंची को क्या बोलते हैं। सीयर और सीजर, इन दो में भी बहुत डिफरेंस होता है, तो आप ये भी याद रखिएगा कौन सी कैंची सीयर होती है, कौन सी कैंची सीजर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे आगे के क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, ट्रेसिंग पेपर में, ट्रेसिंग पेपर को क्या और किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, मार्किंग, ऑप्शन नंबर बी कार्बन पेपर, ऑप्शन नंबर सी ड्रेस, ऑप्शन नंबर डी ड्रेस व कार्बन पेपर। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ड्रेस व कार्बन पेपर। जो हमारा ट्रेसिंग पेपर होता है इसको हम कार्बन पेपर भी बोलते हैं, और कार्बन पेपर नीले और ब्राउन, हल्के ब्राउन मतलब मिट्टी शेड में भी होता है, ठीक है। तो आप वो चीज़ ध्यान रखिएगा कि कार्बन पेपर को ट्रेसिंग पेपर भी बोलते हैं और कहा जाता है, क्यों, क्योंकि दोनों का काम एक ही चीज़ होता है, किसी चीज़ को ट्रेस करना, ठीक है, ट्रांसफ़र करना। तो इसमें क्या होगा, राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेग मेजरिंग टेप की ऊपरी भाग कैसा होता है। लेग मेजरिंग टेप मतलब कि लेग का माप लेने के लिए होता है, और क्या होता है, अंदरूनी माप लेने के लिए, जाके पैर को ज़्यादा टच ना करना पड़े, हम आसानी से माप ले सकें, ठीक है, पैर के अंदर की माप को लेने के लिए।
अब ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे गोल, ऑप्शन नंबर बी आधा गोल, ऑप्शन नंबर सी चंद्राकार, ऑप्शन नंबर डी अर्धचंद्राकार। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आधा गोल और चंद्राकार एक ही है, लेकिन नाम एक चीज़ का नाम होता है ना, किसी भी चीज़ को किसी भी नाम से नहीं पुकारा जा सकता। तो एक सटीक आंसर अगर आपको अर्धचंद्राकार नहीं मिल रहा है तब आप आधे गोल ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि अर्धचंद्राकार तो आप यही आंसर लगाएंगे कि उसका आकार कैसा होता है लेग मेजरिंग टेप का, अर्धचंद्राकार होता है। ठीक है, आगे आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 का देख रहे हैं आप, क्वेश्चन यहाँ पे रीड कर लें, CPG मेजरिंग टेप का पूरा नाम क्या होता है। यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि CPG मेजरिंग टेप का नाम पूरा क्या होता है। फुल फॉर्म पूछ रहा है और मैंने जैसा कि आपको बताया कि फुल फॉर्म आते हैं तो आप बेसिक फुल फॉर्म्स याद कर लीजिएगा, जैसे SPF हो गया, CPG हो गया, ये सब क्या है, ये सब फुल फॉर्म है, इन सब के पूछ लिया जाता है तो आप इसको पढ़ते चलिए। तो CPG का फुल फॉर्म क्या होता है ये देख लीजिए, ऑप्शन दिए हुए कटिंग प्रैक्टिकल गाइड, कटिंग गाइड प्रैक्टिकल, ठीक है, कटिंग गाइड या फिर कटिंग पैरामीटर गाइड। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 है इसका राइट आंसर क्या होगा, कटिंग प्रैक्टिकल गाइड। ठीक है, कटिंग प्रैक्टिकल गाइड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, लकड़ी की टेबल की ऊंचाई कितनी होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी लकड़ी की टेबल होती है जिसमें हम ड्राफ्टिंग करते हैं उसका कितना मेजरमेंट होता है, कितनी ऊंचाई होती है, कितनी चौड़ाई होती है, कितनी लंबाई होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल ITI की जो नीवी की बुक्स हैं इन सब में सब अवेलेबल है, आप रीड करें, एक टॉपिक पढ़ेंगे तो आपके कई ऑप्शनल क्वेश्चन तैयार होंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, 2.5 फीट होती है। कितनी होती है, 2.5 फीट होती है। ओके, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, मार्किंग चौक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए, ए कपड़े पे निशान लगाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी कढ़ाई करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी कपड़े पर डिज़ाइन बनाने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी ऊनी कपड़ों पर निशान लगाने के लिए। जैसा कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मार्किंग चौक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो बेटा मार्किंग चौक का प्रयोग मार्किंग करने के लिए किया जाता है, ये आ सकता है माइंड में। लेकिन अगर ऑप्शन यहाँ पे मार्किंग करने के लिए भी दिया है, लेकिन एक सटीक आंसर क्या होता है, एक एग्जैक्ट आंसर होता है जो वो क्या होगा, कपड़े पर डिज़ाइन बनाने के लिए। क्योंकि मार्किंग चौक का प्रयोग सबसे ज़्यादा तब यूज़ करते हैं जब आप एम्ब्रॉयडरी कर रहे होते हो, ITI में जब सैंपल बनाते हो तो आप मार्किंग करने के लिए करते हो। क्यों करते हो, क्योंकि उस पर एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन बनाने के लिए करते हो, ताकि आप एम्ब्रॉयडरी की जब डिज़ाइन बनाओ और उस पर एम्ब्रॉयडरी करो, फिर जब कपड़ा वॉश करो या फिर कपड़े को क्लीन करो तो आपकी एम्ब्रॉयडरी क्लीननेस के साथ है, मतलब उसमें फिनिशिंग दिखे, इस वजह से मार्किंग चौक का प्रयोग करते हैं। और मार्किंग वहाँ पे पेंसिल का प्रयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि पेंसिल होती है ब्लैक शेड की, अगर आप पेंसिल से आप डिज़ाइन बनाओगे फिर एम्ब्रॉयडरी करोगे तो उस पर फिनिशिंग नहीं रहेगी, कपड़ा और भी ज़्यादा गंदा हो जाएगा। इस वजह से क्या करते हैं हम, मार्किंग चौक का प्रयोग क्यों करते हैं, डिज़ाइन बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, हमारा है CPG मेजरिंग टेप का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, लंबाई मापने के लिए, कोट की माप के लिए, कोट की नाप के लिए, सलवार की माप के लिए, माप और नाप, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन सी दोनों एक जैसे हैं, बस माप और नाप का डिफरेंस है। तो डिपेंड करता है आप क्या चीज़ नाप रहे हैं, क्या चीज़ माप रहे हैं, सामान के हिसाब से देखा जाता है कि हम क्या नाप रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर कपड़े की बात आती है तो माप करते हैं, और जब किसी चीज़ या लिक्विड फॉर्म की बात आती है तब आप नाप करते हैं। आप ऑयल लेने जाओगे शॉप पर तो नापा जाएगा कितना वो है, वेट किया जाएगा, और जब मेजरमेंट लेने जाओगे तो मापा जाएगा, माप लिया जाएगा कि हाँ इसकी लंबाई इतनी है। तो कपड़े के लिए माप वर्ड यूज़ करते हैं और किसी सामान के लिए या किसी थिंग के लिए क्या करते हैं, नाप वर्ड यूज़ करते हैं। तो कोट की लंबाई कितनी होती है, 10 का राइट आंसर क्या होगा, नाप। किसी का भी मेजरमेंट लेते हैं तो नाप यूज़ करते हैं, और किसी चीज़ को लेने जाते हैं तो उसका माप करते हैं, तोलते हैं कि वो कितना है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा आता है ये, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही होता है, बट डिपेंड करता है आप क्या चीज़ मेज़र कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा ड्राफ्टिंग औजार है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, कार्ड स्केल, ऑप्शन नंबर बी मार्किंग चौक, ऑप्शन नंबर सी रूलर, ऑप्शन नंबर डी CPG और ऑप्शन नंबर ई सीम रोल। यहाँ पे मैंने 5 ऑप्शन दिए हुए हैं ताकि आप ठीक से पढ़ें और फिर आंसर दें। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, ड्राफ्टिंग का औजार है, मतलब जिससे हम ड्राफ्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, कार्ड स्केल। कार्ड स्केल द्वारा हम क्या करते हैं, कार्ड स्केल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कार्ड स्केल क्या होता है, छोटी ड्राफ्टिंग के लिए किया जाता है, छोटी ड्राफ्टिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये ट्रायंगल शेप में होता है, ब्लू और लाइट पिंक कलर के शेड में अवेलेबल होता है, येलो और ग्रीन में भी होता है, ब्लू और येलो में भी होता है, और ये ट्रायंगल शेप में होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्ड स्केल बोलते हैं। इसके द्वारा हम छोटे पैमाने पर ड्राफ्टिंग करते हैं, छोटे मेजरमेंट में। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12,
मशीन की सुई कितने नंबर की होती है, ये टॉपिक आप याद कर लीजिएगा कि कौन सी सुई कितने नंबर की होती है, कौन सी सुई का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपको ये चीज़ क्लियर होने ही चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि सुई की मशीन का कितना नंबर होता है। सुई की मशीन जो हमारी होती है वो हमारी होती है कितने नंबर की, 9 से 24 नंबर की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 में जो है हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, 9 से 24 नंबर की हमारी सिलाई मशीन का जो सुई होती है वो मशीन की 9 से 24 नंबर की होती है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे, एल स्क्वायर को किस नाम से जाना जाता है, तो एल स्क्वायर हमारा किस नाम से जाना जाता है, टेलर चौक, फ्रेंच कर्व, टेलर स्क्वायर, तो हमारा एल स्क्वायर किस नाम से जाना जाता है, हमारा टेलर स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। आज लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का, विद्युत कैंची द्वारा कपड़े की कितनी तहों के साथ में काटा जाता है, ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे 40 से 50, 40 से 30, 30 से 40 है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, 40 से 50 तहों को काटा जा सकता है। जैसा कि आज हमने अपनी वीडियो में बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चन पढ़े और बहुत सारे डाउट भी क्लियर हुए, और भी अगर अच्छे से चाहते हैं कि आपके एंट्रेंस की प्रिपरेशन हो तो हमारे चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया चलाई जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके एंट्रेंस की प्रिपरेशन और भी बेहतर तरीके से हो तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और उसको ज्वाइन करने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 90 60 58 28 42, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके हमसे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू।